क्या ले दोस्तों फिर से लेके आ गए हूँ आपके लिए टेक मिस्ट का अनदर एपिसोड। दोस्तों आज बात करने वाले हैं लास्ट वीक यानी 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक के बीच में कौन कौन से गैजेट्स यहाँ पे लॉन्च हुए। अब हम स्पेशली उन गैजेट्स की बात करने वाले हैं दोस्तों जिनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वीक बहुत सारे गैजेट्स दोस्तों लॉन्च हुए हैं जिनमें से कुछ पे हमने वीडियोस बना दिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो बहुत कमाल के हैं लेकिन दोस्तों उन पे वीडियोस नहीं बना पाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम वो सारे गैजेट्स अपने टेक मिस्ट के सेकेंड एपिसोड में आज कवर करने वाले हैं। बताऊंगा कौन कौन से गैजेट्स आपने मिस कर दिए और हो सकता है दोस्तों उनमें से कोई आपके काम आ जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं टेक मिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने बताया लास्ट वीक बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे जबरदस्त जो गैजेट हमने मिस किया है वो है दोस्तों यहाँ पे Redmi का टीवी। Redmi ने अपना एक 100 इंच का टीवी लॉन्च किया। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। इसके साथ दोस्तों डॉल्बी विजन और HDR10 की भी सपोर्ट इसमें दी गई है। अभी यहाँ पे इसके प्राइस की बात की जाए तो चाइनीज प्राइस के अकॉर्डिंग इसका प्राइस निकल के आता है 2,20,000। काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन और जबरदस्त यहाँ पे स्क्रीन साइज के साथ दोस्तों ये टीवी लॉन्च हुआ था लास्ट वीक। यहाँ पे दोस्तों मोटोरोला ने भी लास्ट वीक अपना एक मोबाइल लॉन्च किया है, मोटोरोला एज X30, जिसमें आपको अंडर द स्क्रीन दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ ये लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिलता है। ये फोन दोस्तों 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का भी ऑप्शन दिया गया, मतलब इतने अच्छे ऑप्शन के साथ दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला अपने फोन निकाल रहा है। दोस्तों मोटोरोला भी बैक टू बैक दोस्तों काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहा है अपने फोन में। तो लास्ट वीक तो Redmi ने कमाल ही कर दिया, मतलब अपने 4 फोन लॉन्च किए हैं दोस्तों, जिसमें से पहला निकल के आता है Redmi K40S, दूसरे दोस्तों यहां पे निकल के आते हैं Redmi K50 और Redmi K50 Pro, और एक और यहां पे निकल के आता है दोस्तों Redmi K10। चारों ही फोन काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। अगर बात की जाए Redmi K40S की तो इसमें आपको Snapdragon 870 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं दोस्तों अगर Redmi K50 Pro की बात की जाए तो MediaTek Dimensity 9000 के प्रोसेसर के साथ दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ है। लेटेस्ट प्रोसेसर कमाल का प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक मिड रेंज का फोन लॉन्च किया, एक हाई रेंज का फोन दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया। अब अगर बात की जाए Redmi 10 की तो दोस्तों ये एक बजट सेगमेंट का फोन लॉन्च किया गया है, ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर इसमें देखने के लिए मिलेगा। काफी कमाल के फोन Redmi ने निकाले दोस्तों, लो मिड और हाई तीनों रेंज के फोन यहां पे दोस्तों कवर कर दिए लास्ट वीक। बहुत जबरदस्त फोन निकाले। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं इनमें से किसी भी फोन की दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम बना देंगे। यहाँ पे दोस्तों लास्ट वीक सैमसंग ने भी अपने गैलेक्सी A सीरीज के फोन निकाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी A53 और सैमसंग गैलेक्सी A33 5G, दोनों 5G फोन है दोस्तों। अगर 53 की बात की जाए ये थोड़ा हाई वेरिएंट आपको मिलने वाला है 37,000 के आसपास, और अगर बात की जाए 33 की यहाँ पे दोस्तों ये आपको 30,000 के आसपास मिलने वाला है। 53 में आपको सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया। वहीं अगर 33 की बात की जाए दोस्तों उसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा। दोनों फोन दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाले, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ देखने के लिए मिलने वाले। काफी डिसेंट स्पेसिफिकेशन है, अच्छे प्राइस में मिलने वाले दोस्तों। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर लास्ट वीक की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो हार्मनी OS के साथ हुआई ने भी दोस्तों अपने नए फ्री ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हवाई फ्री ईयरबड्स 4E ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की। काफी अच्छे डिजाइन के साथ लॉन्च हुए हैं, IP67 रेटिंग के साथ दोस्तों ये लॉन्च हुए और काफी डिसेंट सिल्वर कलर के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों लास्ट वीक LG ने भी अपने TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों LG टोन फ्री FP9, टोन फ्री FP5 एंड टोन फ्री F3 TWS ईयरबड्स दोस्तों काफी कमाल के। 10 आवर्स का यहां पे आपको इनमें बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है। नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। काफी अच्छे डिजाइन के साथ दोस्तों ये लॉन्च हुए हैं और दोस्तों इनमें आपको ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों यहां पे अगर प्राइस की बात की जाए तो 13,000 के आसपास दोस्तों इनकी प्राइस रखी गई है। अब अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो, कमेंट बॉक्स इज देयर, आप कमेंट कर दीजिए, हम बना देंगे।
दोस्तों यहाँ पे IQ ने भी लास्ट वीक अपना कमाल का एक स्मार्टफोन निकाला है और एक नेक बैंड निकाला है बहुत जबरदस्त। हम बात कर रहे हैं दोस्तों IQ Z6 5G की। दोस्तों काफी कमाल का फोन है, 120Hz का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, 8GB 128GB यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको दोस्तों, और दोस्तों 15,000 रुपए के आसपास इसकी रेंज रखी गई है। वहीं दोस्तों अगर नेक बैंड की बात करें तो IQ ने 18 आवर्स की बैटरी लाइफ के साथ ये वायरलेस नेक बैंड लॉन्च कर दिए, काफी कमाल के और अच्छे डिजाइन के साथ दोस्तों ये लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों Xiaomi ने एक स्मार्ट वॉच भी लास्ट वीक लॉन्च की है जो काफी कमाल की है। ग्लोबल लेवल पे स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी गई है जिसमें आपको 117 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिलते हैं। ऑक्सीजन लेवल ये मॉनिटर करने वाली है, हार्ट बीट मॉनिटरिंग करने वाली है, और दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर डिजाइन के साथ ये आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो Xiaomi वॉच S1 और S1 एक्टिव के बारे में। काफी कमाल की वॉच है, अगर आप देख रहे हो 20,000 के आसपास स्मार्ट वॉच जो काफी क्लासिक लुक दे आपके हाथ पे यहाँ पे, तो दोस्तों ये स्मार्ट वॉच आपके लिए हो सकती है। दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों गोल्ड कलर वेरिएंट के साथ वीवो ने भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया लास्ट वीक, Vivo Y33T काफी कमाल का एक बजट स्मार्टफोन है दोस्तों। 18,000 तक की रेंज में ये लॉन्च किया गया है। इसमें आपको दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 6.5 इंच का फुल HD LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5000mAh की बैटरी भी इसमें दी गई है। काफी स्मार्टफोन है, अगर आप 18,000 तक की रेंज में कोई फोन देख रहे हैं तो दोस्तों इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों अगर टेक गैजेट्स की बात की जाए तो Xiaomi का नाम सबसे ऊपर निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का गैजेट दोस्तों Xiaomi निकालता है। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों Xiaomi के इलेक्ट्रिक कंप्रेसर के बारे में। मतलब आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, आपकी गाड़ी में हवा कम हो जाती है, तो एक पोर्टेबल कंप्रेसर जो आपकी गाड़ी के टायर की हवा दोस्तों फिर से फिल कर देता है, Type-C USB चार्जिंग पोर्ट के साथ दोस्तों ये अवेलेबल है, काफी डिसेंट है। 4,499 इसका दोस्तों MRP प्राइस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस निकल के आया है 2,799 रुपीज। दोस्तों 2,799 रुपए में आपको मिल जाएगा, बहुत पोर्टेबल डिजाइन है और काफी अच्छा है दोस्तों। मैं पर्सनली अपने लिए एक ऑर्डर करने वाला हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो सारे गैजेट्स जो आपको लास्ट वीक आपने मिस कर दिए थे। तो दोस्तों इस तरह की सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी जल्दी से एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारा चैनल। दोस्तों ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।